दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े हिमायदार सवाल। प्रत्येक सवाल के लिए मिलेगा सोचने के लिए 5 सेकंड। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे भाई मेरे दोस्त तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए कमाल की वीडियो को अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बच्चे लोगों को शरीर कमजोर क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और मिलती रहेगी हमेशा के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है भोजन अच्छा नहीं मिलने के कारण बच्चे लोगों को जो है सेहत नहीं बनती है। इसीलिए बच्चा जो है देश की भविष्य होता है। अच्छा अच्छा भोजन कराना चाहिए और सेहत उनकी टाइट और सुंदर रखना चाहिए और सेब जरूर खिलाना चाहिए। सेब खिलाने से उनका दिमागी कमजोरी दूर होती है। सवाल नंबर 2, अंगूर खाने से क्या फ़ायदा मिलती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है कैंसर की बीमारी नहीं पकड़ता है आंतों में। जब आंतों में कैंसर की बीमारी नहीं पकड़ेगी तो हम लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आंते मजबूत हो जाता है पूरा। इसीलिए अंगूर खाना पड़ता है। जब भी सीजन आए तो 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम जरूर खाना चाहिए। अंगूर ज़्यादा गर्म भी होता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो लेटरिन बाथरूम लगने लगता है। सवाल नंबर 3, बार बार पेशाब क्यों लगता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी आप लोगों के पास में डायरेक्ट। इसका सही आंसर है काम धंधा नहीं करने के कारण बार बार पेशाब लगती है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब हम लोग ज़्यादा ठंडा सामान खाते हैं तो तभी पेशाब लगती है। जैसे कि ये भात और दही और हरा मिर्च एक साथ खा लेंगे तो बार बार पेशाब लगेगी। वही नमक डाल देंगे उसमें तो नहीं लगेगी। सवाल नंबर 4, दूध नहीं पच रहा हो जिनको उनको क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए। अच्छा जानकारी के लिए इस चैनल के माध्यम से हमेशा जल्दी अच्छा जानकारी मिलती रहती है। इसका सही आंसर है 250 ग्राम दूध में 2 चम्मच चीनी डाल देना है और 1 इलायची डाल देना है कूट करके। तो आप दूध पियेंगे तो वो दूध जो है आसानी से पचने लगेगा। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। सवाल नंबर 5, अधिक नींद आने पर क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों सब दिन के लिए इसका सही आंसर है पान का पाता और 1 लौंग मिलाकर के खाने से रात के समय में नींद नहीं लगता है। जो लोग मिलाकर के नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा नींद लगती है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बीमारी से बचना है तो जहाँ भी रहें बने रहें माता दुर्गा के।